बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान, khamoshpathan.com की जानिब से MSExcel कोर्स की लेसन नंबर 14 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वेल तो गाइस, पिछली वीडियो में हम सम इफ़ फंक्शन या सम इफ़ फार्मूला भी आप कह सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सम इफ़ के ऊपर हम दो वीडियो बनाएंगे। और वो पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने इस तरह सैलरी जो है आपस में कैलकुलेट किया था कि टोटल यहाँ पे जो सैलरी है ये कितनी आती है, इसके अलावा जो 2500 से ज़्यादा है उसको हमने आपस में जमा किया था, और इसके अलावा जो 2500 से ज़्यादा थी और 2500 थी और 2500 से ज़्यादा थी उसको आपस में हमने जमा किया था, इसके अलावा जो 2500 से कम थी उसको हमने आपस में जमा किया था, और इसके अलावा जो 2500 थी और 2500 से जो कम थी उसको हमने आपस में जमा किया था, और इसके अलावा जो 2500 थी और इसके अलावा 2500 के अलावा जो 2500 से ज़्यादा है और 2500 से कम है उसको भी हमने आपस में जमा किया था। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ़ का फार्मूला, लेकिन इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट के बेस पे और यहाँ पर डिजिग्नेशन के बेस पर हम सैलरी आपस में जमा करेंगे कि EDP डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी तनख्वाह कितनी आती है जब हम आपस में जमा करेंगे, अकाउंट के डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी जितनी सैलरी है उनको हम आपस में जमा करेंगे, फाइनेंस और इस तरह स्टोर, इस तरह डिजिग्नेशन में मैनेजर कितने हैं और इसकी तनख्वाह कितनी आपस में आती है जब हम इसको जमा करते हैं, इसके अलावा सुपरवाइज़र, ऑपरेटर, ड्राइवर, क्लर्क, इन तमामों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पर लाजम क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे वही फार्मूला है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इज़ इक्वल टू, फिर आप लोगों ने सम इफ़, इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाएंगे तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट में जाते हैं। डिपार्टमेंट में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं मैन्युअली लिखता हूँ, आप लोग मैन्युअली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने पहली जो सेल है, फर्स्ट सेल जो है उसको आपने सेलेक्ट करनी है और फिर इस तरह ड्रैग करनी है, यहाँ से पकड़नी है और इस तरह ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो यहाँ पे D2 और यहाँ पे D3 तक आ गई। इसके बाद आप लोगों ने लोअर कामा लगाना है, फिर आप लोगों ने डबल कोट्स जो है उसको लगाना है, और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ EDP, फिर डबल कोट्स मैं टाइप करता हूँ और इसके बाद लोअर कामा, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट को अगेन टाइप करना है, ब्रैकेट, और इसके बाद क्या लिखना है, वही रेंज देना है जो यहाँ पे E2 से शुरू होता है और E3 पे यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे मैं एनुअली टाइप करता हूँ E2 और E3, फिर ब्रैकेट को बंद करना है और फिर जो यहाँ पे ब्रैकेट है यहीं पे लगा हुआ है इसको भी बंद करना है और फिर आप लोगों ने इंटर करना है। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे वो सैलरी आपस में जमा होगी जो EDP डिपार्टमेंट की सैलरी है, तो उनका आंसर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर आप लोग अकाउंट का जो सैलरी है अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी सैलरी अगर आपस में जमा करना चाहते हैं तो यही फार्मूला है, इज़ इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट और यहाँ पे D2, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो D कॉलम में मौजूद है और D2 से शुरू होता है, D2 इसके बाद D3 पे ख़त्म होता है, D3 इसके बाद लोअर कामा आप लोगों ने लगाना है और लोअर कामा, इसके बाद डबल कोट और इसके बाद अकाउंट टाइप करना है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है, अगर आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो इसका आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं टाइप करता हूँ अकाउंट, इसके बाद डबल कोट अगेन और इसके बाद लोअर कामा,
और इसके बाद ब्रैकेट को अगेन टाइप करता हूँ और यहाँ पे ई थ्राइस, क्योंकि सैलरी ई कॉलम में मौजूद है, ई टू ई थ्राइस। और इसके अलावा ब्रैकेट को बंद और बिर, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट को भी बंद करना है, इंटर। तो अकाउंट के साथ जितनी भी जुड़े हुए हैं, जितनी भी सैलरी है, उनका रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह फाइनेंस का भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी निकालता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बन जाए। डी टू डी त्राइस और इसके बाद लोअर कॉमा डबल कोट्स और इसके बाद फाइनेंस डबल कोट अगेन लोअर कॉमा ब्रैकेट को बंद ई टू ई त्राइस और इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर लें, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद अगर आप लोग स्टोर का निकलवाना चाहते हैं तो इसका भी यही फार्मूला है जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद हम डिजिग्नेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इज़ इक्वल टू के बाद सम इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है ये सी कॉलम में मौजूद है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे C2, इसके बाद C3 के बाद लोअर कॉमा डबल कोट और इसके बाद मैं टाइप करता हूँ मैनेजर मैनेजर टाइप करने के बाद डबल कोट को अगेन टाइप करना है, सॉरी, और इसके बाद लोअर कॉमा और इसके बाद ब्रैकेट और ई टू और इसके बाद ई थ्राइस और ब्रैकेट को बंद करना है और फिर इंटर करना है। तो यहाँ पे हम डिजिग्नेशन की बेस पे भी हमने यहाँ पे सैलरी आपस में जमा किए, तो जितने भी मैनेजर हैं उनकी जो सैलरी है वो हमने यहाँ पे ऐड किया, आपस में जमा किया, तो इनका आंसर यही पे आ गया। इस तरह सुपरवाइज़र का भी आप आपस में जमा करवा सकते हैं, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट और इसके बाद मैं यहाँ से इस तरह पकड़ता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी लोअर कॉमा डबल कोट्स और इसके बाद सुपरवाइज़र डबल कोट लोअर कॉमा ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, तो सैलरी है। आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं लेकिन यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो सुपरवाइज़र जितनी भी है और इनकी तनख्वाह जो है हमने इनको आपस में जमा किया और इनका आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह ऑपरेटर इज इक्वल टू इसके बाद सम इफ वही फार्मूला है ब्रैकेट, फिर आप लोगों ने यहाँ से इसको ड्रैग करना है इस तरह, सॉरी, इसके बाद लोअर कॉमा डबल कोट, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑपरेटर लिखना है, ऑपरेटर डबल कोट लोअर कॉमा और ब्रैकेट और इसके बाद इसको यहाँ पे पकड़ना है और ब्रैकेट को बंद करना है
और फिर भी बंद करना है और इंटर करना है। तो जितनी भी ऑपरेटर हैं उनकी तनख्वाह यहाँ पे आपस में ऐड हो गई, आपस में जमा हो गई। तो यहाँ पे ऑपरेटर कितने हैं, वन ऑपरेटर, टू ऑपरेटर, थ्री ऑपरेटर, यहाँ पे फोर ऑपरेटर, फोर ऑपरेटर। इतनी ये अगर आप लोग मैनुअली आपस में जमा करेंगे तो इनका भी यही रिज़ल्ट आएगा। इस तरह ड्राइवर का भी यही फार्मूला है। ड्राइवर का अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो यही फार्मूला टाइप करेंगे। अगर क्लर्क का निकलना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो इसका भी यही फार्मूला है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।